देखिए ये देखिए पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहां पेपर लीक हो रहा हो, आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। ये कह रहे हैं कि नीट का जो हुआ है ये लोकलाइज मामला है, जो कोई लोकलाइज नहीं होता है। आप इसलिए मैंने आपसे कहा मेडिकल और इस तरह की परीक्षाओं का पुराना इतिहास उठा करके देखिए, बीजेपी की सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। तो आप लोग का क्या मांगे, दोबारा एग्जाम हो? जो बच्चे चाहते हैं, जो जितने भी नीट, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो जो बच्चों की मांग है कि हो या नहीं हो, बच्चों के मान होना चाहिए।